केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए परिवारवाद का सवाल उठाया, जिसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा। लेकिन अब इस मामले पर आरजेडी का बयान भी सामने आ गया। हालांकि नीतीश ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन माना तो ये जा रहा था कि उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष किया। नीतीश के परिवारवाद पर नीतीश के बयान के बाद बिहार के पीएचईडी मंत्री ललित यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर कटाक्ष किया होगा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। जब तक कर्पूरी ठाकुर रहे, बेटे को आगे नहीं किया। उनके निधन के बाद जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताते हुए कहा कि हमने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, दूसरों को मौका देते रहे। बता दें कि बिहार में जेडीयू लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के केंद्र के फैसले के बाद सबसे पहले मंगलवार रात 9:14 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का अच्छा निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों, उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। हालांकि इस पोस्ट में नीतीश ने पीएम मोदी का जिक्र नहीं किया था। वहीं दिलचस्प ये था कि इस पोस्ट में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार नहीं जताया था। कहा गया कि इस वजह से कुछ ही मिनट के भीतर उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और रात 10:50 पर एक नया पोस्ट किया। ये पोस्ट पिछली पोस्ट जैसी ही थी, लेकिन पोस्ट के अंत में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश बाबू लालू यादव से अलग हो रहे हैं।